राजन शाही के प्रोडक्शन तले बना शो अनुपमा हर शोज को पीछे छोड़ता हुआ नंबर वन शो बन गया है। शो में जिस तरह से एक हाउसवाइफ की कहानी दिखाई जा रही है वो लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही है। लेकिन इसी के साथ शो की स्टार कास्ट भी कमाल की है। शो में अनुपमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली तो परफेक्ट है ही, साथ ही शो में वनराज का किरदार भी काफी कमाल का है। शो में वनराज का किरदार एक्टर सुधांशु पांडे निभा रहे हैं, जिनकी ऑन स्क्रीन फैमिली से सभी मिल चुके हैं। शो में वो 3 बच्चों के पिता बने हैं, साथ ही एक खुद गर्ल्स पति के रोल में है जो अपने पति को दबा कर रखना चाहता है, और इसी के साथ शो में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। हालांकि रियल लाइफ में सुधांशु बिल्कुल ही अलग हैं। वो न केवल एक अच्छे इंसान हैं बल्कि अच्छे पति भी हैं। आपको बता दें कि सुधांशु की शादी मोना पांडे के साथ हुई है। सुधांशु अपनी पत्नी संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो अपनी पत्नी के संग ढेरों फोटो शेयर करते रहते हैं। उनकी पोस्ट से पत्नी के लिए प्यार साफ साफ झलकता है। सुधांशु और मोना के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। बेटों के नाम हैं निर्माण और विवान पांडे। सुधांशु फैमिली मैन है और परिवार संग उनकी बॉन्डिंग शानदार है, जो उनकी इन तमाम तस्वीरों से साफ जाहिर भी होती है। आपको बता दें कि सुधांशु फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। वो खिलाड़ी 420, ये मेरी लाइफ है, सिंग इज किंग, यकीन, सिंघम, राजधानी एक्सप्रेस, बाईपास रोड जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वो अनुपमा में अपने किरदार वनराज को निभा रहे हैं, उससे सुधांशु हर तरफ छा गए हैं, और अपने इस किरदार को वो अपने तमाम किरदारों में बेहतरीन भी मानते हैं। अपने किरदार वनराज के बारे में सुधांशु ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक एक्टर के तौर पर मुझे लगता है कि वनराज शाह का कैरेक्टर मेरे अब तक निभाए गए सर्वश्रेष्ठ किरदारों में से एक है। आपको बता दें कि सुधांशु अपने किरदार वनराज को इतने बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं कि कई लोगों ने तो अनुपमा की शुरुआत में उन्हें हेट मैसेज तक करने लगे थे। लेकिन ये तो सिर्फ किरदार है जिसे परफेक्टली निभाने के लिए सुधांशु अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में सुधांशु अपने किरदार के बिल्कुल उलट है और अपनी प्यारी फैमिली के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं।